लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कटघोरा में दो और कोरोना संक्रमित मिले, 48 घंटों में 15 नए केस, यहां से अब तक 24 पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा में मंगलवार को दो लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 50 साल की महिला और 41 साल का पुरुष है। दोनों एक ही परिवार के हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान 15 नए कोरोना संक्रमित यहां से सामने आ चुके हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को 18 घंटों में 13 और केस सामने आए थे। इसके बाद कोरबा में ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। जमातियों के परिवार से ही 5 सदस्य पॉजिटिव संक्रमित मिले। दोनों लोग मस्जिद पारा के ही रहने वाले हैं। इनके परिवार की 3 सदस्यों की भी 11 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी दिन 7 नए मामले सामने आए थे। इसी परिवार के एक तबलीगी जमाती बुजुर्ग की 30 मार्च को मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग के जनाजे में कोरबा समेत 10 अन्य जिलों के लोग भी शामिल हुए थे। इसके बाद इन जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। प्रदेश के 33 संक्रमितों में 24 का जमातीय कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। नए केस मिलने के बाद कोरबा में संक्रमितों की संख्या 25 हो गई है। इनमें से 24 संक्रमित अकेले कटघोरा से ही है। कटघोरा से सबसे पहला मामला 4 अप्रैल को तबलीगी जमाती किशोर का ही सामने आया था। वह ठीक होकर महाराष्ट्र के कामठी चला गया है। सभी संक्रमितों का जमाती कनेक्शन है। प्रशासन ने 9000 लोगों की जांच की, 274 सैंपल जांच को भेजे। दरअसल तबलीगी जमात से लौटने के बाद क्वारंटाइन में होने के बावजूद किशोर बाहर घूमता रहा, मरकज से आने की बात भी छिपाई। 9 अप्रैल को भी कटघोरा में इसी नाबालिग के संपर्क में रहे 8 लोग संक्रमित मिले थे। उसके बाद प्रशासन ने करीब 9000 लोगों की जांच की। संदिग्ध मिले 274 के सैंपल लिए थे। संक्रमित किशोर अब होम क्वारंटाइन में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित एक्टिव केस 23 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा रायपुर से अभी तक 5 आए थे, लेकिन कटघोरा से अब सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस दौरान ठीक होकर 10 लोग घर जा चुके हैं। इनमें एक कोरबा का युवक व जमाती भी शामिल है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।